हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूटी। बट उससे पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, तो लेट मी राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन। मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे और उसमें से कुछ जो बच्चों के डाउट्स थे वो मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो पहले क्वेश्चन नंबर मैं करूंगा डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 2। क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर? मैंने ग्रुप में बताया था, इसमें एक छोटा सा करेक्शन था। ये जो लिमिट एन लिखा है, एक्चुअली उधर मैंने एक्स लिखा था उस वक्त, बट एक्चुअली इट इज एन, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी, और दे रखा है 1/sin(x)^(n+1) = 1। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो सुनना, अब देखो, अब हमें पता है कि उसने बोला है कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब क्या है? अगर इसकी वैल्यू 1 है तो हमारा जो डिनोमिनेटर लिखा है, एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूं, मैंने लिखा sin(x)^(n+1)। मैंने बोला अगर ये 1 के बराबर आ रहा है तो डेफिनेटली क्या हो रहा होगा, डेफिनेटली ये हो रहा होगा कि ये वाला पार्ट जीरो को जा रहा होगा, ये जीरो को जा रहा होगा। अच्छा, अब सुनना, जब हमने लिमिट स्टार्ट किया था तो मैंने एक तुम्हें नोट लिखवाया था, a^x, अगर x टेंड्स टू इंफिनिटी होता था, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तो हम क्या लिखते हैं इसको, डायरेक्टली वी कैन नॉट गिव द आंसर, दैट डिपेंड्स कि a क्या है। मैंने बोला ये कब, ये क्या होता था, जीरो होता है अगर हमारा a क्या हो, फ्रैक्शन हो, दैट इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0। हमें बेस तो ग्रेटर देन 0 लेना ही है, ठीक है ना, लेस देन 1 होगा तो मतलब a इज अ फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन की पावर इंफिनिटी इज व्हाट, इट विल बी 0। सिमिलरली दिस विल बी इंफिनिटी अगर a ग्रेटर देन 1 होगा, और दिस विल बी 1 इफ a इज एग्जैक्ट 1। वही फंडा यूज कर रहा हूं मैं, इसमें पहला वाला फंडा हमारा काम आएगा, ये वाला क्या है। अब हमें पता है कि ये चीज 0 को जाएगी तब जाके इसकी लिमिट 1 आएगी, इसका मतलब क्या है, जो साइन इनवर्स एक्स है दैट शुड बी अ फ्रैक्शन, और क्या होना चाहिए, जैसे इधर मैंने लिखा a शुड लाई बिटवीन 0 टू 1, इधर भी हमारा क्या होना चाहिए, साइन इनवर्स एक्स दैट शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, 0 चलेगा, 0 चलेगा, ठीक है ना। अब मैंने बोला इसको सॉल्व करना है, तो इससे मेरा क्या जाएगा, अगर मैं साइन को उधर लेके जाऊं तो इधर से आ जाएगा x इज लेस देन साइन ऑफ 1, और इधर से आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन 0, तो साइन 0 इज 0, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल्स टू x इज लेस देन साइन 1। ये हो गई हमारी x की वैल्यूज, दैट इज इसको सेट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा, 0 क्लोज से साइन 1 ओपन, ठीक है। तो बहुत छोटा सा ये वाला कांसेप्ट यूज हुआ कि ये चीज 0 हो रही है n टेंड्स टू इंफिनिटी पे, तो इसका मतलब जो बेस है दैट शुड बी अ फ्रैक्शन, दैट मींस इट शुड बी लेस देन 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ बच्चों? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। अब देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं डिस्कस करने वाला हूं, थर्ड वाला मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का आ गया था, फोर्थ वाला भी आई थिंक आ गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर, चलो एक काम, चलो 5 ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड 0, 1 की पावर 1/sin²x प्लस 2 की पावर 1/sin²x एंड सो ऑन, लास्ट है n की पावर 1/sin²x, इसकी होल पावर sin²x। तो पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्म कौन सा है हमारा ही, ठीक है ना, फर्स्ट वी विल लुक आउट द फॉर्म, ये कौन सा है। तो देखो, 1 x अगर 0 को जाएगा तो sin स्क्वायर भी 0 को जाएगा, 1/0 इंफिनिटी, मतलब ये लिखा 1^∞, दिस इज 2^∞, दिस इज 3 एंड सो ऑन, तो बेस क्या हो गया इंफिनिटी और पावर क्या होगा 0, तो दिस इज हमारा ये फॉर्म कौन सा हो गया, इंफिनिटी की पावर 0, ठीक है, इंफिनिटी की पावर 0। तो अब कैसे स्टार्ट करें, क्या लाइन ऑफ थिंकिंग होगी, कैसे स्टार्ट करें, तो देखना 1/ जो साइन स्क्वायर, 1/sin²x है ये हर एक जगह है, तो मैं चाह रहा हूं कि ये थोड़ा छोटा हो जाए एक्सप्रेशन, क्या किया हमने सब्स्टिट्यूशन, 1/sin²x = t, तो जो मेरा नया लिमिटिंग वेरिएबल होगा t वो किसको जाएगा, इंफिनिटी को, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा मेरा, देखो थोड़ा सिंप्लीफाइड हो जाएगा मेरा एक्सप्रेशन, जो बल्कि सा लग रहा है वो थोड़ा सा लुक वाइज थोड़ा छोटा हो जाएगा, फिर हम सोचेंगे आगे। तो जो हो जाएगा 1 की पावर t प्लस 2 की पावर t प्लस 3 की पावर t एंड सो ऑन n की पावर t, और इसकी होल पावर 1/t, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब क्या करें हम, अब क्या करें, देखना अब क्या किया मैंने, देखना लिमिट इसको मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूं, लिमिट n इज अप्रोच, सॉरी t इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, t इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, ध्यान से देखना मैंने क्या किया, ऊपर नीचे
एन से मल्टीप्लाई किया, एन से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। नहीं तो और प्रिसाइसली बोलू तो मैंने, चलो ठीक है, एन से किया। अब मैंने बोला इस वाले एन को मुझे अंदर लेके जाना है, इस वाले एन को अंदर लेके जाना है, तो कैसे बन के जाएगा बाहर? तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखना ध्यान से, ऐसे लिख रहा हूं मैं नीचे वाले एन को, एन की पावर टी और इसकी पावर वन बाई टी, ऐसे लिख सकता हूं। अब इसको मैं इसके नीचे ले जाके लिख रहा हूं, मैंने लिखा एन की पावर टी और इसकी पावर वन बाई टी, ये इधर से हटा देता हूं, तुम अगले स्टेप में लिख लेना भले, ठीक है ना। अभी कोई करेक्शन कोई चेंज नहीं किया, ये एन, ये भी एन है, डिनोमिनेटर में भी एन है, तो वो कैंसिल हो रहा है, तो वी आर लेफ्ट आउट विद क्वेश्चन ओनली जो दिया है। अब मैंने बोला अब इस डिनोमिनेटर की पावर भी 1 / t है, न्यूमरेटर की पावर 1 / t है, तो मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक साथ लिख देता हूं। तो मैं क्या कर रहा हूं देखना ध्यान से, ये वाली पावर अब मैं लिख रहा हूं, इसको ब्रैकेट को बढ़ा दिया मैंने, मैंने बोल दिया ऐसे, जस्ट लुक एट जो मैंने लिखा अब वो पहले जैसे ही लिखा है, समझ में आया क्या किया? न्यूमरेटर की पावर 1 / t था, डिनोमिनेटर की पावर 1 / t था, तो दोनों को एक साथ लिख दिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की होल पावर 1 / t, क्लियर है। चलो अब क्या किया, ये n / अब सेपरेट कर दिया, अब सेपरेट कर दिया, तो देखो क्या आएगा, लिमिट्स t टेंड्स टू इंफिनिटी, व्हेन आई विल सेपरेट, n तो बाहर लिखा ही हुआ है, n इज अ कांस्टेंट, n हमारा याद रखना, n हमारा इधर लिमिटिंग वेरिएबल नहीं है, n इज नॉट अप्रोचिंग इंफिनिटी, ठीक है ना, t इज अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 / n इसकी पावर t प्लस 2 / n इसकी पावर t एंड सो ऑन, सेकेंड लास्ट टर्म लिख रहा हूं मैं, n माइनस 1 अपॉन n इसकी पावर t और लास्टली आएगा n / n मतलब 1 की पावर t, क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, अब अगर n n कोई भी नंबर है, n अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो 1 / n क्या होगा, एक फ्रैक्शन होगा, तो 1 फ्रैक्शन की पावर t और वेयर t टेंड्स टू इंफिनिटी, तो ये मेरा कहां जाएगा, 0 को जाएगा, सिमिलरली दिस विल टेंड टुवर्ड 0, कहां तक जाएगा, यहां तक, क्योंकि ये भी n माइनस 1 अपॉन n फ्रैक्शन होगा, सो दिस विल टेंड टुवर्ड 0, तो हमारा क्या बचेगा, 1 की पावर t, ऊपर लिखा है 1 / t, तो अल्टीमेटली क्या बचा ये 1, तो 1 * n इज नथिंग बट n, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा एक तरीका और है इसको, जैसे मैंने तुम्हें जब वो पढ़ाया था कौन सा, 0 की पावर 0 आखिरी जो फॉर्म था हमारा एल हॉस्पिटल के तुरंत बाद, 0 रेस टू पावर 0 और इंफिनिटी रेस टू 0 के लिए क्या करते हैं हम, वेरिएबल की पावर वेरिएबल होता है तो हम इसको e के टर्म्स में लिखते हैं, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है, मैंने क्या बोला वेरिएबल की पावर में, वेरिएबल में हम e की पावर में लिखते हैं, तो इसको ऐसे भी ट्राई कर सकते हैं, यू जस्ट ट्राई इट वंस, बताना कि अगर आता है या नहीं। मैं क्या बोल रहा हूं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं e की पावर में, लेट्स सपोज टी वाला एक्सप्रेशन लिख रहा हूं मैं, 1 की पावर टी प्लस 2 की पावर टी एंड सो ऑन, एन की पावर टी इसकी पावर 1 / टी, मैंने बोला वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, इंफिनिटी इज टू 0 फॉर्म है, तो मैं इसको e की टर्म्स में लिखूंगा, कैसे, e की पावर 1 / टी ln 1 की पावर टी प्लस 2 की पावर टी एंड सो ऑन, एन की पावर टी, इस टी को मैं इसके नीचे लिख रहा हूं। अब ये किसमें कन्वर्ट हो गया मेरा, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, अब मैं इधर एल हॉस्पिटल लगा सकता हूं, तो एक बार इससे करना एंड लेट मी नो कि आ रहा है या नहीं, समझ में आया क्या बोला, इसमें एल हॉस्पिटल लगा दो, क्योंकि ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, तो जस्ट डिफरेंशिएटेड एंड सी की वेदर यू आर गेटिंग द सेम आंसर और नॉट, ठीक है। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, हाँ एक ये भी ठीक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें भी कोई मेहनत नहीं करनी, छोटा सा ऑब्जर्वेशन है, वो ऑब्जर्वेशन क्या है देखते हैं हम, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी सिग्मा एक्स इज इक्वल टू 1 से लेके 20 कॉस ऑफ एक्स माइनस 10 इसकी पावर 2n, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा, तो करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिग्मा को मैं ब्रेक कर रहा हूं, मतलब सिग्मा को मैं खोल ओपन कर रहा हूं, तो वेरी वेल ओपन द सिग्मा, क्या आएगा इधर, एक्स के वन रखोगे पहले तो आएगा कॉस ऑफ 1 रखोगे तो माइनस 9 इसकी पावर 2n प्लस कॉस ऑफ फिर 2 रखोगे तो माइनस 8 इसकी पावर 2n एंड सो ऑन कीप ऑन रिपीटिंग। अब देखो जब मैं इसमें 9 रखूंगा, देखना x इक्वल टू 9 रखूंगा तो क्या आएगा, प्लस कॉस ऑफ माइनस 1 इसकी पावर n प्लस जब मैं 10 रखूंगा इसमें, मैं बीच की वैल्यू क्यों रख रहा हूं उसका अभी को समझ जाओगे, अब 10 रखूंगा तो क्या आएगा इधर कॉस 0 विच इज 1 1 की पावर 2n, इसी कारण मैं बीच की वैल्यू रख रहा हूं 10, फिर मैंने 11 रखा तो अगर आएगा cos of 1 इसकी पावर 2n एंड सो ऑन, लास्टली जब मैं 19 पे जाऊंगा तो इधर हो जाएगा cos of
9 और इसकी पावर 2n, और लास्टली आएगा cos of 10 इसकी पावर 2n। यहां तक क्लियर है? ये मैंने कुछ टर्म्स लिख दिए इस सिग्मा को ओपन करके। अब ध्यान से देखो, अब देखो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी है, अब वही वाली चीज होगी, कौन सी, a की पावर x लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी इज 0, कब, व्हेन बेस इज अ फ्रैक्शन। नाउ यू कैन सी कि जो cos की वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में होती है, इट इज अ फ्रैक्शन, एक्सेप्ट बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं, पाई और पाई के मल्टीपल्स पे को छोड़ के, पाई के मल्टीपल्स को छोड़ के इट इज फ्रैक्शन। तो देखो cos ऑफ -9 जो भी है इट विल बी डेफिनेटली विल लाई इन द इंटरवल, में क्या लिख रहा हूं, ये हर एक ब्रैकेट जो होगा ये -1 ओपन से 1 के बीच में लाई करेगा, हर एक ब्रैकेट एक्सेप्ट दिस वन, यू सी cos ऑफ -8 ठीक है कोई वैल्यू होगी बट 100% वो इस इंटरवल में होगी, फ्रैक्शन होगी, भले वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, दोनों कुछ भी हो सकता है, बट ऑल्दो ऊपर पावर इवन लिखा है तो नेगेटिव भी हो तो वो पॉजिटिव में काम करेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो अल्टीमेटली ये वाला ब्रैकेट भी जीरो होगा, ये भी जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, वी बी ओनली लेफ्ट आउट विद द मिडिल वन ब्रैकेट दैट करस्पॉन्ड्स टू व्हेन एक्स इज इक्वल टू 10 दैट इज कॉस 0 1। क्लियर है? तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये भी, और काफी बच्चों का आया, मुझे अच्छा लगा, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तुम लोग। लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी, n की पावर -n² और इधर हमारा ब्रैकेट में लिखा है, और ये फ्रैक्शन पार्ट नहीं, ठीक है, नॉर्मल ब्रैकेट ही है, और ये लिखा है n प्लस 2 की पावर 0 मतलब 1 इंटू n प्लस 2 की पावर -1 मतलब 1/2 इंटू n प्लस 1/2 की पावर 2 एंड सो ऑन, इट विल गो टिल n प्लस 1/2 की पावर n -1। देखो ये लिखा है हमारा, ठीक है। चलो अब इसको हम करते हैं। तो अगेन जैसे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, कौन सा नंबर का था वो जो क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 5th वाला जो साइन स्क्वायर एक्स वाला था, उसी टाइप का कुछ फंडा लगा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मैं चाह रहा हूं कि इस वाले पावर को अंदर लेके जाऊं, तो सबसे पहले तो ये नेगेटिव है तो इसको मैं नीचे ले जाता हूं, ऐसे लिख सकता हूं 1/(n)(n))^2, ठीक है। अब मैंने इसको कैसे लिख सकता हूं, दिस कैन फर्दर बी रिटन एज (n)^(n) इसका स्क्वायर, 1 एंड द सेम थिंग, नहीं अच्छा वो तो 2n हो गया, सॉरी n into n square करेक्ट था वो, नहीं नहीं हाँ आप करेक्ट है, n की पावर है, ये करेक्ट है, n की पावर में लिखा है मैंने n into n which is n square। इसको फर्दर मैं ऐसे लिख सकता हूं, n की पावर n इसकी पावर n। देखो ये फ्लो पता होना चाहिए, ये हमने ऑलरेडी आखिरी में डिस्कस किया था लिमिट, ठीक है ना। अब देखो इस चीज को मैं इस ब्रैकेट के अंदर लेके जा रहा हूं, तो देखो पहले तो मैंने इसके नीचे लिख दिया, ये जो टर्म है जो डिनोमिनेटर में देखी थी ये था, इसको मैं इसके नीचे लिख रहा हूं n की पावर n और इसकी होल पावर n। क्लियर है? अब मैं इस पार्ट को रब कर रहा हूं, तुम लोग लिख लेना इसको। अब देखो, अब मैंने बोला कि न्यूमरेटर की पावर भी n है, डिनोमिनेटर की पावर n है, तो एक साथ लिख देते हैं जैसे इससे पहले किया था हमने। तो मैंने क्या किया, इधर से n हटाया, इस वाले टर्म को एक साथ लिख दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ये यहां से हटाया और ये लिख दिया। क्लियर है? अब क्या किया, अब मेरे को इधर क्या लिखा है, n into n into n into n times लिखा है, तो मैंने क्या किया उसको अलग अलग लिख लिया, और उसमें भी हमने क्या किया, जो डिनोमिनेटर में n बार n लिखा हुआ है हर एक ब्रैकेट को एक एक n दे दिया, मतलब इसको एक n दे दिया, इसको एक n दे दिया, इसको एक n दे दिया एंड फाइनली इसको एक n दे दिया। देखो मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया क्या क्या किया हमने, ठीक है ना। अगर कहीं दिक्कत है तो एक बार दोबारा रिमाइंड करके देखो जो मैंने स्टेप्स बोले। अब क्या किया, अब सेपरेट से पहले इसको अलग से लिख लिया, मतलब n प्लस 1 बाय n को लिख सकता हूं 1 प्लस 1 बाय n, फिर ये हो गया 1 प्लस 1 बाय 2 n, फिर ये वाला ब्रैकेट बना 1 प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर इंटू n एंड सो ऑन, लास्टली इधर क्या बनेगा 1 प्लस 1/(n-1)(n), और इसकी होल पावर n दे रखा है, इसकी होल पावर n दे रखा है, तो मैं क्या कर रहा हूं उसको हर एक ब्रैकेट पे लिख रहा हूं पावर को, तो इधर n हो गया, इधर पावर n हो गया, इधर पावर n हो गया एंड लास्टली इधर पावर n हो गया, यहां तक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मेरा क्या लिखा है, लिमिट n इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स इंफिनिटी। अब मैं क्या करूंगा, सेपरेट आउट करूंगा,
प्रोडक्ट नाम पता सेपरेट कर सकते हैं हम। कंडीशन क्या होती है कि जैसे ये दो ब्रैकेट होते हैं तो मैं इस पे और इस पे अलग अलग लिमिट लगा के मल्टीप्लाई कर सकता हूं, प्रोवाइडेड वन ऑफ द टू इज नॉन जीरो फाइनाइट। तो हम देख लेते हैं, पहले मैंने बोला कि चलो हम सेपरेट करना चाहते हैं, तो एक ब्रैकेट को उठा के देख लिया क्या ये नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है। तो जस्ट इसके लिए अकेला कैलकुलेशन हमने किया पहले, सिमिलरली इसके लिए कर लेंगे बाकी के लिए। अब इसके लिए अकेले के लिए फॉर्म देखो कौन सा है, अगर एन इन्फिनिटी को जा रहा है तो दिस इज वन रेस टू इन्फिनिटी फॉर्म। तो इसके लिए तो हमारे पास स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, क्या होता है e की पावर में क्या लिखते हैं एफ एक्स माइनस वन, मतलब एफ एक्स क्या करता है बेस का काम, तो वन प्लस वन बाय एन एफ एक्स माइनस वन इंटू जी एक्स, जी एक्स मतलब पावर विच इज एन। तो इधर से मेरा क्या आया e की पावर वन, तो इस ये वाली ये किसकी पहले ब्रैकेट की लिमिटिंग वैल्यू आई विच इज नॉन जीरो फाइनाइट, हेंस वी कैन सेपरेट द लिमिट्स, हेंस वी कैन सेपरेट, मतलब इसको सेपरेटली कर सकते हैं। सिमिलरली यू विल सी इसका भी फाइनाइट आएगी, अंतर क्या हो जाएगा बस ये n की जगह क्या ये वाले 1 बाय n की जगह अंदर जो लिखा है उधर 1 बाय 2n होगा। कैसे बोल रहा हूं मैं, मैंने बोला इसकी जो लिमिट निकालेंगे अगेन क्या होगा e की पावर में एफ एक्स माइनस वन, तो 1 प्लस 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू जी एक्स इंटू n, तो ये माइनस 1 से 1 कैंसिल 1 बाय 2n, तो ये n कैंसिल, तो इधर से मेरा क्या आया e की पावर हाफ। सिमिलरली इधर से क्या आ जाएगा, अब तो सिमेट्री से देख सकते हो e की पावर 1 बाय 2 स्क्वायर एंड सो ऑन। फाइनली इधर से क्या आएगा e की पावर 1 बाय 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है यहां तक क्लियर है। चलो अब मैंने बोला अब क्या करें, तो अब क्या लिखा है बेसिकली e की पावर 1 इंटू e की पावर हाफ इंटू e की पावर 1 बाय 4 इंटू e की पावर 1 बाय 8 एंड सो ऑन। तो इसको मैं लिख लेता हूं, तो पहले मैं रब करने वाला हूं, तो उससे पहले तुम लोग पॉज करके इसको कॉपी कर लो। अब मैंने बोला पहले ब्रैकेट की लिमिट क्या आई e की पावर 1 फिर मल्टीप्लाइड में e की पावर हाफ फिर मल्टीप्लाइड में e की पावर 1 बाय 4 एंड सो ऑन, e की पावर 1 बाय 1 e की पावर 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। क्लियर है, अब ये तो दिख रहा है अगर n इंफिनिटी को जा रहा है तो दिस इज बेसिकली इनफाइनाइट सीरीज। और है क्या बेसिक, नहीं एक मिनट अभी नहीं, अभी मैंने क्या किया पावर पावर को ऐड किया, तो पावर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8 एंड सो ऑन 1 अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। अब इसको कंसीडर करो अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो दिस इज इनफाइनाइट सीरीज, और ये है क्या जीपी है जिसका कॉमन रेशियो क्या है 1 बाय 2। तो मैं बोल रहा हूं इसका सम क्या होता है, हमें पता है इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है a अपॉन 1 माइनस r वेयर a इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज r इज द कॉमन रेशियो। तो फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो इज हाफ, तो यू विल गेट 1 e की पावर 1 अपॉन 1 बाय 2 व्हिच इज e स्क्वायर। सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज e स्क्वायर। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है, तो वीडियो पॉज करो इसको कॉपी करो। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैसे तो इसके बाद डाउट नहीं है बट स्टिल आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आज भी जो डाउट सेशन था कल बेसिकली उसमें हमने ऑलरेडी इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किया था बट कुछ लोग एब्सेंट थे तो एक बार मैं फिर से डिस्कस करना चाहूंगा। दिस इज पाई आर इक्वल्स टू 3 से n आर क्यूब माइनस 8 अपॉन आर क्यूब प्लस 8, ठीक है, आर क्यूब माइनस 8 करेक्ट है, ठीक है। अब देखो क्या करें हम, सबसे पहले हमने इधर फॉर्मूला लगाया कौन सा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसको हम क्या लिखेंगे पाई तो लिखा ही हुआ है और आर इज इक्वल टू 3 से n आर माइनस 2 ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर एक मिनट हाँ प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, देखो करेक्ट लिखा है नीचे क्या, अच्छा ये प्लस प्लस ए बी आएगा, ठीक है, इधर माइनस है तो उधर प्लस होता है और इधर क्या आ जाएगा आर प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये बन गया। क्लियर है, अब मैंने यहां इतने पार्ट को एक साथ लिखा और इतने पार्ट को एक साथ लिखा और मुझे पता है कि मल्टीप्लीकेशन में तो हम पाई को ब्रेक कर सकते हैं, जैसे सिग्मा को हम सम में ब्रेक करते हैं ना, जैसे सिग्मा ऑफ ए प्लस बी लिखा है तो सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी होता है, पाई को दिस पाई मतलब प्रोडक्ट, इसको हम प्रोडक्ट में ब्रेक कर सकते हैं, ये हमने सीक्वेंस सीरीज में देखा था लास्ट ईयर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज पाई आर इक्वल टू 3 से एन, एक तो मैंने ये लिख लिया आर माइनस 2 अपॉन आर प्लस 2 और एक इस पाई को अलग से लिख लिया, वी कैन सेपरेट आउट, ठीक है ना, आर इक्वल टू 3 से एन और ये हो जाएगा, अच्छा
अब इसको भी क्या किया, थोड़ा सा हमने क्या किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के लिखा, तो मैं चीजें जल्दी क्लिक होंगी, ठीक है ना। देखना क्या लिखा मैंने, इसको आर प्लस वन का स्क्वायर लिख सकता हूं, आर प्लस वन का स्क्वायर, और इससे प्लस वन आएगा, मुझे फोर चाहिए तो प्लस थ्री। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, आर स्क्वायर और माइनस टू आर देख के, ऐसे आर माइनस वन का स्क्वायर, इधर से वन आएगा बट फोर चाहिए तो प्लस थ्री। अब देखो ध्यान से, अब मजेदार चीज आएगी। अब क्या होगा कि अब ये जो मेरा आर माइनस टू है और ये आर प्लस टू लिखा है, ये इधर हमारा वीएन मेथड काम करेगा। वीएन मतलब प्रोडक्ट में वीएन मेथड, बेसिकली कितने का डिफरेंस है, चार का डिफरेंस है, और इधर आर प्लस वन है, आर माइनस वन है, इधर टू का डिफरेंस है। तो देखो अब कैसे होंगी टर्म्स, देखना मैं इसकी पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैं जब मैं आर की जगह थ्री रखा तो क्या आएगा, ये न्यूमरेटर वन, डिनोमिनेटर में आएगा फाइव, फिर आर की जगह टू रखा, सॉरी फोर रखा, तो क्या आएगा फोर माइनस टू, इधर टू, इधर क्या आ जाएगा सिक्स, फिर एक एक बढ़ता जाएगा, इधर बढ़ा होगा तो एक एक बढ़ेगा, तो ये आएगा थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ये बता रहा हूं मैं इतना क्यों लिख रहा हूं, फिर सेवन, फिर इधर एट, फिर इधर नाइन, फिर इधर सिक्स, इधर टेन, एंड सो ऑन इट विल गो। अब देखो जैसे हमें पता है कि चार का डिफरेंस है, तो चार टर्म रह जाएंगे, बाकी कैंसिल होना चालू होंगे। अब कैंसिल कौन से चालू होंगे, देखो यहां से ये वाला जो फाइव है इस फाइव से जाएगा, फिर ये सिक्स इस सिक्स से जाएगा, फिर ये सेवन इसके सेवन से जाएगा, तो शुरू की चार टर्म बची न्यूमरेटर में, तो डेफिनेटली इसकी चार टर्म डिनोमिनेटर की आखिरी की बचेंगी, न्यूमरेटर की वो कैंसिल होती जाएंगी। जैसे फाइव इससे कैंसिल हुआ ना, इस फाइव से ये सिक्स इससे कैंसिल हुआ, सिमिलरली न्यूमरेटर की सारी कैंसिल हो जाएंगी, इधर आगे की तो न्यूमरेटर, आगे की तो न्यूमरेटर की बची, पीछे की डिनोमिनेटर की बचेंगी। अब इसकी पीछे की चार टर्म लिखना है बेसिकली हमें, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, नहीं तो तुम लिख के देख लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, ये हो जाएगा वन इंटू टू इंटू थ्री इंटू फोर, ये न्यूमरेटर की चार टर्म बचेंगी आगे की, और इसके हिसाब से आखिरी की चार टर्म बचेंगी। तो मैं उल्टा लिख रहा हूं, पहले आएगा सबसे आखिरी टर्म होगी एन प्लस टू, फिर इससे पहले वाली टर्म एन प्लस वन, फिर इससे पहले वाली टर्म एन, और उससे पहले वाली एन माइनस वन, एन और इधर आएगा एन माइनस वन। क्लियर हुआ, ये पूरा रिड्यूस हो जाएगा इसमें, ये क्लियर होना चाहिए तुम्हारा सबसे पहले, ठीक है। सिमिलरली विल डू फॉर हियर। अब इधर तो थोड़ा और आसान हो जाएगा, बिकॉज इधर डिफरेंस टू का है, तो इधर दो दो टर्म बचेगी। कैसे, पहले हमने r इजिकल टू थ्री रखा इधर, ये जहां तक हो गया, अब इसमें r इजिकल टू थ्री रखोगे तो क्या आएगा, फोर स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, ये तो एक टर्म बची, एक टर्म बनी, एक और टर्म बचेगी। r इजिकल टू फोर रखोगे तो फोर प्लस वन फाइव स्क्वायर प्लस थ्री, और इधर आएगा एक मिनट फोर रखा ना मैंने, हाँ एक मिनट, आर इजिकल टू थ्री रखा था, ये टू आया था, ठीक है, ये दिस विल कम टू, तो अब आएगा थ्री स्क्वायर प्लस थ्री, ठीक है। अब देखना ध्यान से, अब मैंने आर इजिकल टू फाइव रखा तो ये आएगा फाइव प्लस वन सिक्स का स्क्वायर प्लस थ्री। अब डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इधर आएगा फोर स्क्वायर प्लस थ्री। क्लियर है यहां तक। अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, अब हमारा ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो रहा है, फिर ये वाला इसके नीचे वाले से कैंसिल होगा, तो अब डिनोमिनेटर में आगे की दो बच रही हैं, ये वाली दो बच रही हैं, ये वाली दो, तो डेफिनेटली डिनोमिनेटर न्यूमरेटर की न्यूमरेटर की बचेगी पीछे की, इसका मतलब आखिरी में इधर दो टर्म आएंगी इसके करस्पॉन्डिंग, इसके करस्पॉन्डिंग आखिरी की दो टर्म्स, क्योंकि इसके लिए तो हमने न्यूमरेटर वाली ले ली, उधर डिनोमिनेटर वाली क्या आएंगी, इधर एक तो आएगी आखिरी टर्म क्या होगी n प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, और एक और टर्म होगी इधर n स्क्वायर प्लस थ्री से जस्ट पहले वाली टर्म, ये दो बचेंगी, बाकी देखो ये सब कैंसिल होती जाएंगी इधर की, इसके नीचे वाली कैंसिल, इसके आगे वाले न्यूमरेटर से कैंसिल हो जाएंगी। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट इज दिस एंड दिस। फाइनली आई होप समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं। तो देखो इसके साथ अब मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली, ये ऊपर बचा एन स्क्वायर प्लस थ्री, और इधर बचा हमारा एन प्लस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर में बचा टू स्क्वायर प्लस थ्री फोर प्लस थ्री सेवन, और थ्री स्क्वायर नाइन प्लस थ्री ट्वेल्व। अब मैंने बोला लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो इफेक्टिव डिग्री क्या है न्यूमरेटर की फोर, डिनोमिनेटर की फोर, तो बस एन की पावर फोर का कोफिशियंट जो होगा उसका जो रेशियो होगा दैट इज माई आंसर, ठीक है। तब तो खैर बहुत ईजी हो जाएगा, एन स्क्वायर इसके एन स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो n की पावर 4 बनेगा, तो इससे तो n की पावर 4 का क्वेश्चन 1 आया, इससे मेरा 1 आया, और आगे क्या लिखा है 2 इंटू थ्री
सिक्स, सिक्स फोर था 24, तो 24 इंटू दिस अपॉन, इधर मेरा n की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या आएगा, 1 आएगा, इधर क्या लगा 7 इंटू 12, 7 इंटू 12, तो वन टाइम टू टाइम, तो आंसर इज 2/7, तो एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इससे हमारा क्या सीक्वेंस सीरीज भी थोड़ा रिवाइज हो गया। देखो अगर तुम इसको परफेक्ट स्क्वायर में नहीं लिखते ना तो तुम्हें डायरेक्टली नहीं समझ में आता, हालांकि इधर से जब तुम वैल्यू लिखोगे ना रख के आर की 3 फिर 4 फिर 5 तब भी तब क्लियर होगा, बट अगर मैंने इसको डिफरेंस मेथड से कर लिया इधर, मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर लिख लिया तो मुझे इधर ही क्लिक कर जाएगा कि यार ये तो डिफरेंस मेथड है, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा जो बोल रहा हूं। चलो तो ये हो गया हमारा डिस्कशन अबाउट द होमवर्क क्वेश्चंस। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर कंटिन्यूटी, और अगर फिर भी अभी किसी को डाउट है किसी भी क्वेश्चन में, इसमें जो भी मैंने 9 क्वेश्चन दिए थे, यू आर फ्री टू आस्क, ठीक है ना, तुम लोग व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हो। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मली कंटिन्यूटी। तो देखो जैसे मैंने तुम्हें बोला था जो चैप्टर कंटिन्यूटी और इसके बाद जो आएगा दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी, दे आर बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ हमारा लिमिट्स। तो ऐसा है कि अगर तुम्हारा लिमिट स्ट्रांग है तो 110% कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ जाएगा। मतलब ऐसा होएगा ही नहीं कि तुम्हारा लिमिट्स बहुत स्ट्रांग है और कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वीक रह गया, नहीं। अगर कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी वीक तुम्हें वीक जा रहा है तो डेफिनेटली दिस इंप्लाइज कि तुम्हारा लिमिट वीक रहा होगा। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि जो कंटिन्यूटी है वो कोई अलग कोई चैप्टर नहीं है, लिमिट का ही छोटा सा एप्लीकेशन है, ठीक है ना। और जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं दैट यू विल कम टू नो, लगेगा कि हाँ सर सही बोल रहे, थोड़ी देर बाद से मेरा मतलब दो चार लेक्चर बाद तुम्हें लगेगा कि हाँ सर ने सही बोला, कंटिन्यूटी तो कुछ है ही नहीं अलग, बेसिकली लिमिट के ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो एक तरीके से बोल सकते हम लिमिट ही कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो तो पहला पॉइंट, तो स्टार्ट करते पहले पॉइंट लिख लो, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, और इधर लिख लो इंटरमीडिएट पॉइंट। अभी इस पे आता हूं मैं, मतलब क्या है, पहले लिख लो इंटरमीडिएट पॉइंट, क्या लिखा, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू इंटरमीडिएट पॉइंट, देन देखो क्या लिख रहा हूं, देन लिमिट x tends to a, f of x must be equals to f of a, बस इतनी छोटी सी बात है, बस ये पार्ट तो हम पहले कर ही चुके। क्या बोला इसने कि फंक्शन को अगर किसी भी पॉइंट पे कंटिन्यूस होना है तो क्या होना चाहिए, उस जिस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी की बात कर रहे हैं उस पॉइंट पे लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन शुड बी इक्वल टू द फंक्शनल वैल्यू। तो देखो मतलब इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे कि जैसे कोई फंक्शन दे दिया फिर बोला चेक कंटिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 2 लेट्स से, तो हमारा टारगेट क्या होगा, हमें बेसिकली लिमिट निकालना है 2 पे। तो देखो लिमिट एक बार निकाल लेंगे हम, वो तो क्वेश्चन हो गया लिमिट का, अब क्या करेंगे हम फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, और फंक्शनल वैल्यू निकालना तो बहुत आसान है लिमिट में, तो फिर भी हमें बहुत से मेथड्स हैं, सोचना पड़ेगा कैसे निकालें नहीं निकालें। फंक्शनल वैल्यू तो क्या है, फंक्शन दिया है 2 पर निकालना है तो 2 उसमें रखना है डायरेक्टली, बिना दिमाग खर्च किए डायरेक्टली 2 पर रखना है, समझ में आ रहा है। लिमिट में तो फिर भी दिमाग लगता है बट फंक्शनल वैल्यू निकालने में थोड़ी कुछ, जैसे मैंने बोला कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो एफ ऑफ 2 मान लो मैं 2 पे लिमिट चेक कर रहा हूं, तो ठीक है मैंने पहले लिमिट निकाली जो भी प्रोसीजर से निकाली, फिर मैंने बोला एफ ऑफ 2 क्या होगा, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू 2 इसमें रखोगे तो 4 प्लस 2 विच इज 6। तो ये वाला पार्ट तो बहुत ही ईजी है, वेरी इजी पार्ट, ये तो बच्चों वाला पार्ट है, मतलब फंक्शनल वैल्यू निकालना, जो जिस पॉइंट पे बोला है वो वाली वैल्यू एग्जैक्ट फंक्शन में रख दो, अनडिफाइंड होगी तो अनडिफाइंड हो जाएगी, आ रही होगी तो आ जाएगी, बट कोई दिमाग खर्च नहीं होगा इस पार्ट में, दिमाग का खर्च होगा इसमें, और इसमें तो हम ऑलरेडी करके आ गए। इसलिए मैंने बोला था कि कंटिन्यूटी तुम्हारे लिए बहुत स्मूथ जाएगा, केवल लिमिट का ही खेल है, पूरा पूरा और पूरा केवल लिमिट का खेल है, क्लियर हुआ। हाँ तो अब एक बार दोबारा इस पे आते हैं, इसने क्या बोला है कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए किसी भी पॉइंट लेट से एक्स इजिकल टू ए क्या होना चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू मतलब लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट इट शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ ए, दैट इज मैं इसको कैसे लिख सकता हूं एक्सटेंड करके, लिमिट एक्सटेंड्स टू ए पे मतलब एक्सटेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, वही चीज लिखा है मैंने, इसको मैंने ब्रेक कर दिया एलएचएल आरएचएल, क्योंकि ये एग्जिस्ट कर रहा है,
जब मैं बोल रहा हूं ये चीज इसके बराबर है, इसके मतलब एग्जिस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली एलएचएल और एलएचएल बराबर होगी। तो बेसिकली क्या है, इसको मैं एक और फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूं, एल एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू आर एच एल एट एक्स इज इक्वल टू ए मस्ट बी इक्वल टू एफ ऑफ ए फंक्शनल वैल्यू। बस ये हो गया तुम्हारा कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, कि फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, उस पॉइंट पे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन वैल्यू तीनों बराबर होना चाहिए। लिमिट में तो क्या था, हमारा इतना ही पार्ट था, इतना ही पार्ट था लिमिट में, लिमिट को एग्जिस्ट करने के लिए ये दोनों बराबर होना चाहिए। अब कंटिन्यूस और ऐड करना है हमें, कंटिन्यूस और होना चाहिए फंक्शन, तो बस ये पार्ट और आ जाएगा कि जो एलएचएल और आरएचएल जो आई थी वो फंक्शन वैल्यू के बराबर और होना चाहिए, बस। क्लियर है? अच्छा चलो, जैसे अभी मैंने इधर तुम्हें बोला था इंटरमीडिएट पॉइंट, इसका मतलब क्या है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम पहले इसको कॉपी कर लो। मैंने बोला इंटरमीडिएट पॉइंट मतलब उस पॉइंट के लेफ्ट में भी ग्राफ है, राइट में भी ग्राफ है। कहने का मतलब, लेट्स से दिस इज द एक्स एक्सिस और मेरा ये ग्राफ है, और लेट्स से दिस इज द एक्स इज इक्वल टू ए, सो दिस इज व्हाट इंटरमीडिएट पॉइंट। इंटरमीडिएट मतलब इसके इस साइड भी ग्राफ है, इस साइड भी ग्राफ है, तो जब दोनों साइड ग्राफ है तभी तो हम एलएचएल और आरएचएल एक साथ लिख रहे हैं, कि एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। तो मतलब इस साइड से जो वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, इस साइड से अप्रोच कर रहा है, और फंक्शनल वैल्यू, तीनों चीज बराबर होना चाहिए। इंटरमीडिएट मतलब बीच का पॉइंट। अब जैसे इंटरमीडिएट नहीं होगा, मान लो मैंने बोला एक्सट्रीम पॉइंट है, तो एक्सट्रीम भी दो तरीके से हो सकता है, या तो राइट एक्सट्रीम या लेफ्ट एक्सट्रीम। तो उसके लिए और लिख लेते हैं, सेकेंड पॉइंट लिखो, इफ एक्स इज इक्वल टू ए इज राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। इसका मतलब क्या है, देखो वही फॉर अ फंक्शन, ये कॉमन स्टेटमेंट है, फॉर अ फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर एक्स इज इक्वल टू ए इज राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। इधर इंटरमीडिएट था, मैंने राइट मोस्ट ले लिया, तो राइट मोस्ट ले लिया इसका मतलब क्या है, जैसे ये हो गया मेरा ग्राफ और दिस इज द राइट मोस्ट पॉइंट ए। राइट मोस्ट मतलब क्या हो, इसके राइट में ग्राफ ही नहीं है, दिस इज द राइट मोस्ट पॉइंट, ठीक है ना। लेफ्ट मोस्ट मतलब इस साइड होगा, राइट मोस्ट मतलब उस साइड। तो इसमें क्या बोलूंगा मैं, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, इसके लिए क्या होगा, देखो अब x इज इक्वल टू राइट में ग्राफ तो नहीं है, इसका मतलब आरएचएल की तो बात करेंगे नहीं, करेंगे किसकी, एलएचएल की। तो इसमें बचा क्या, एलएचएल शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। इसमें क्या होगा, फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू ए वेयर x इज इक्वल टू ए इज द राइट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, एलएचएल लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू। समझ में आया? इधर मैं आरएचएल क्यों नहीं लिख रहा हूं, बिकॉज उसके ए के आरएचएल में, आरएचएस में ग्राफ ही नहीं है ना, जहां ग्राफ ही नहीं है तो हम उधर लिमिट की बात ही नहीं करेंगे। समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली तुम लोग क्या लिखो, इफ एक्स इज इक्वल टू ए लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, मैं इसको रब कर रहा हूं, मैंने लिखा फॉर अ फंक्शन टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए वेयर एक्स इज इक्वल टू ए इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा ये हमारा, ए इज लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन, वेयर ए इज द लेफ्ट मोस्ट पॉइंट ऑफ डोमेन। तो अब ग्राफ क्या होगा मेरा, इस टाइप का सिनेरियो होगा, मतलब एक्स इक्वल टू ए लेफ्ट मोस्ट है, इसके राइट में लेफ्ट में ग्राफ ही नहीं है, इसके लेफ्ट में ग्राफ नहीं है, तो हम फिर इधर क्या करेंगे, एलएचएल की बात ही नहीं करेंगे। तो फिर मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन को कंटिन्यूस होने के लिए क्या होना पड़ेगा, आरएचएल मस्ट बी इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, दैट्स इट। समझ में आया? तो अल्टीमेटली क्या सीखा हमने, कि कोई किसी भी पॉइंट पर हमें अगर कंटिन्यूटी चेक करनी है कि कंटिन्यूस है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि वो जो पॉइंट है वो इंटरमीडिएट पॉइंट है कि लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है कि राइट मोस्ट पॉइंट है। मैं एक बार लिखवा भी दूंगा इसको दोबारा, ठीक है। मैंने बोला हाउ टू स्टार्ट द प्रॉब्लम, कैसे करेंगे, पहले हम देखेंगे कि x इज इक्वल टू ए इंटरमीडिएट पॉइंट है या राइट मोस्ट पॉइंट है, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है, अकॉर्डिंगली हम लिमिट निकालेंगे उसका। अकॉर्डिंगली से मेरा मतलब क्या है, कि अगर इंटरमीडिएट हुआ तो एलएचएल आरएचएल दोनों निकालना पड़ेगा, अगर राइट मोस्ट हुआ तो एलएचएल निकालना पड़ेगा, और लेफ्ट मोस्ट हुआ तो आरएचएल निकालना पड़ेगा। फिर एक बार लिमिट आ गई, उसको फिर हम फंक्शनल वैल्यू से कंपेयर करेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, तो वीडियो पॉज करो, इसको कॉपी करो। नेक्स्ट पॉइंट से पहले एक काम करते हैं, हम थोड़ा एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा और हमारा फ्री हो जाएंगे, मतलब फ्री माइंड हो जाएगा, क्या और बेटर फील आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमें पता चलेगा और कि हाँ कुछ अलग है ही नहीं, ये तो पूरा पूरा का पूरा हमारा वही है, कल इसकी जरूरत नहीं है, अपने से क्वेश्चन देते हैं। देखो मैंने बोला एग्जांपल वन, ऐसे लिख लो, डिस्कस कंटिन्यूटी
ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। ठीक है, चलो पहला ले लेते हैं। दिस इज अ कॉमन स्टेटमेंट फॉर सब जो भी हम पार्ट्स करने वाले हैं। मैंने बोला डिस्कस कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। पहला फंक्शन इसमें दे रखा है, लेट्स से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, चलो एक्स स्क्वायर माइनस टू एट एक्स इज इक्वल टू लेट्स से फाइव, एट एक्स इज इक्वल टू फाइव। सिंपल, बहुत एकदम बच्चों लेवल का क्वेश्चन दे रहे हैं हम, ठीक है ना। धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे तो तुम्हें पता चलेगा किस किस वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं। मैंने बोला फंक्शन ये दे रखा है, उसने बोला डिस्कस कंटिन्यूटी। तो ये जो ग्राफ है इसके बीच में कहीं तो आएगा x = 5, मतलब एक्सट्रीम पॉइंट तो होगा नहीं क्योंकि इसमें कोई एक्सट्रीम पॉइंट तो है नहीं, ठीक है ना। दिस इज अ पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला मतलब ये है। तो 5 जो होगा मेरा कहीं यहां कहीं आएगा, तो 5 के लेफ्ट में भी ग्राफ होगा, राइट में भी ग्राफ होगा। तो ठीक है, फिर इसका मतलब हमें LHL और RHL दोनों की बात करनी पड़ेगी। तो अब मैंने बोला LHL की बात करते हैं पहले। तो LHL एट एक्स इज इक्वल टू फाइव क्या होगा मेरा, मैंने बोला अगर एक्स फाइव को जा रहा है फ्रॉम राइट लेफ्ट हैंड साइड, मतलब दिस इज माई फाइव, ये फाइव को जा रहा है मतलब 4.9999 है, तो मेरा ये कितना होगा, ये कहां जाएगा, ये 25 को जाएगा। मैं ये नहीं बोला 25 होगा, ठीक है ना, अब तो हमने काफी लिमिट पढ़ लिया है। मैं बोल रहा हूं ये 25 की तरफ जाएगा, फिर 25 माइनस टू ये ओवरऑल किसकी तरफ जाएगा, 23 को जाएगा। तो LHL क्या हो गई, 23। क्लियर, एक्चुअली इट इज 22.99999 की तरफ जा रहा है, बट हम क्या बोलेंगे, लिमिट इज 23 क्योंकि वो 23 की तरफ जा रहा है। वाई 22.99999 किसकी तरफ जा रहा है, दैट इज लिमिट एक्चुअली, ठीक है। वैसे इसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज्यादा डिस्कस हो चुका है। अब देखो इधर लिमिट RHL at x is equal to 5, of course क्या आएगा, 23 आएगा, 5 पे ये कितना जाएगा, अगर x 5 को अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट हैंड साइड तो दिस विल बी x विल बी 5.00001, तो ये कहां जाएगा x square 25.00001, माइनस 2 कहां जाएगा 23.00001, तो क्या आ जाएगी लिमिट 23। तो LHL ये आई, RHL ये आई। अब मैंने बोला फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू फाइव क्या है, इसमें हम जा रहा है वा रहा है नहीं चलता, इसमें तो सीधा 5 मैंने इसमें रखना है, तो क्या आएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2 23। अब मैं क्या बोलूंगा, LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू हैज दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ बच्चों, दिस फंक्शन विल बी कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5, क्यों, क्योंकि LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू तीनों बराबर है। क्लियर है, चलो अब हम और क्वेश्चन देखते हैं। देखो अब मैंने लिया, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं फंक्शन को। मैंने लिखा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लेट से एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5, और इधर ले लेता हूं मैं 7, और ये ले लिया एक्स नॉट इक्वल टू 5 के लिए। ओके वेट 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 और इट इज 10 एट एक्स इक्वल टू 5। देखो ये तुम्हारा फंक्शन है, ठीक है, देखो क्या लिखा है उसने फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 अपॉन एक्स माइनस 5 फॉर एक्स नॉट इक्वल टू 5, एंड 5 पे उसने अलग से डेफिनेशन दे दी इसकी, क्योंकि 5 तो इधर रख नहीं सकते, तो उसने अलग से डिफाइन कर दिया एफ ऑफ 5 इज 10। अब मुझे बताना है कि फंक्शन जो मेरा है वो कंटिन्यूस है या नहीं, तो क्या करें, अगेन LHL RHL निकालते हैं। तो देखो LHL मैंने, अच्छा एक बात और, मैंने जब तुम्हें लिमिट पढ़ाया था तो जब हमारे स्टार्टिंग के लेक्चर थे, जब मैंने बोला था हाउ टू इवैल्यूएट लिमिट्स, तो उधर मैंने बताया था कि जब तक जरूरत ना पड़े, देखना सुनते ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, जब तक जरूरत ना पड़े हम LHL और RHL सेपरेटली कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्टली लिमिट निकालेंगे। जरूरत कब पड़ेगी, जब उस क्वेश्चन में उस फंक्शन में ऐसे सब फंक्शन इन्वॉल्व हो जो जंप करते हैं, जंप करते हैं मेरा मतलब डिसकंटिन्यूअस है, कहने का मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ये सब फंक्शन अगर इन्वॉल्व है हमारे बड़े फंक्शन में, तब हम LHL और RHL अलग अलग एनालिसिस करेंगे, बट जब तक जरूरत नहीं पड़ेगी आई विल कैलकुलेट डायरेक्टली लिमिट, ठीक है। तो ऑफकोर्स इस वाले क्वेश्चन के लिए बहुत वैलिड है, ठीक है, तुम LHL RHL अलग अलग निकाल लो, बट ऑफकोर्स सेम आएगा, क्योंकि इधर ऐसा कोई ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ऐसे फंक्शन का कि फ्रैक्शनल पार्ट हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो, सो दैट कि हमें LHL और RHL अलग अलग सेपरेटली करना पड़े। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सो भले ही तुम्हें लिखना है LHL अलग से लिख लो, RHL अलग से लिख लो, मैं एक साथ लिख रहा हूं। मैंने बोला LHL क्या होगी हमारी, LHL क्या मतलब, मैं लिमिट लिख रहा हूं डायरेक्टली, लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 5 f ऑफ x क्या होगा,
तो अगेन दिस इज व्हाट फैक्टराइजेशन, तो एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव कैंसिल होगा, चलो लिख लेते हैं एक्स माइनस फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस फाइव, तो ये पार्ट कैंसिल हुआ, यू आर लेफ्ट आउट विद एक्स प्लस फाइव, इनडिटर्मिनेसी हट गई, इसी फैक्टर के कारण आ रही थी, तो मेरा एक्स टेंड्स टू फाइव पे ये वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो लिमिट की वैल्यू आई 10। तो मेरा कहने का मतलब है कहीं तुम्हें इसमें जरूरत पड़ी एनएचओ आरएचएल सेपरेटली कैलकुलेट करने की, नहीं तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा हाँ लिमिट एक्जिस्ट कर रही है और 10 के बराबर है, 10 के बराबर है लिमिट, इसका मतलब ही क्या है एलएचएल इज इक्वल टू आरएचएल इज इक्वल टू 10, ठीक है ना, लिमिट तो तभी एक्जिस्ट करती है ना जब एलएचएल और आरएचएल बराबर हो, तो हमारा एलएचएल आरएचएल बराबर आया 10 के। अब देख लेते हैं फंक्शनल वैल्यू, तो एफ ऑफ 5 क्या है, अब वो तो उसने डायरेक्टली दे दिया एक्स इज इक्वल टू 5 पे फंक्शन की वैल्यू 10 है, तो एफ ऑफ 5 इज 10। अब इससे क्या निकला हमारा f of 5 functional value at x is equal to 5 is equal to limit at x is equal to 5, hence the function is continuous at x is equal to 5, limiting value is equal to functional value, that's it। अब देखो इस टाइप में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं जैसे बोर्ड में बनते हैं, इधर क्या रखेगा देखो मैं इधर ही सेपरेट लिख रहा हूं, इधर लिख देगा वो लैम्डा, बोलेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो हम क्या करेंगे इसमें लिमिट निकालेंगे और वो लिमिट फंक्शनल वैल्यू के बराबर होना चाहिए, फंक्शनल वैल्यू क्या है x = 5 पे लैम्डा, तो लैम्डा शुड बी इक्वल्स टू 10। अभी मैं क्या करेगा, या तो वो ऐसे बोलेगा डिस्कस कंटिन्यूटी और इधर 10 लिख देगा, जैसे अगर मान लो इधर 8 लिखा होता, अगर मान लो इधर 8 लिखा होता तो हम क्या बोलते f ऑफ 5 इज 8, फिर मैं क्या बोलता फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, क्यों, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू दोनों बराबर नहीं आई, तो इसका मतलब मैं क्या बोल रहा था अभी कि अगर इधर कोई लैम्डा या के कुछ पैरामीटर डाल दिया और बोलेगा फिर के निकालो सच दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लिखते हैं हम इसी के ऊपर, तो देखो क्वेश्चन है वही डिस्कस करना है कॉन्टिन्यूटी, फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन, फॉर एक्स लेस देन वन इट इज इक्वल टू टू, फॉर एक्स इक्वल टू वन एंड इट इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स इंटू ई, एक्स इंटू ई दोनों आर्ग्यूमेंट एल एन का होल पावर वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। तो क्या करो तुम लोग वीडियो पॉज करो पहले एक बार खुद से ट्राई करो, ठीक है ज्यादा सीखने मिलेगा। तीनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या है पहले तो वो समझो, मैंने पहले दिया था उसमें क्या हो रहा था फंक्शन की केवल एक ही डेफिनेशन थी, क्या लिखा था वो एक्स स्क्वायर आई थिंक एक्स स्क्वायर माइनस टू लिखा था या थ्री जो भी लिखा था, दूसरे वाले में क्या था दो डेफिनेशन दे रखी थी फंक्शन की, ठीक है ना, मतलब हमने जो लिमिट निकाला था एल एच एल आर एच एल उसके लिए सेम फंक्शन यूज हो रहा था, बट इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस ये है कि एक्स लेस देन वन के लिए तो ये डेफिनेशन यूज हो रही है फंक्शन की, एक्स ग्रेटर देन वन के लिए ये डेफिनेशन यूज हो रही है, इसका मतलब क्या है इसमें तो हमें पक्का एलएचएल और आरएचएल अलग अलग निकालना पड़ेगा, क्यों, एलएचएल निकालते वक्त, एलएचएल निकालते वक्त हम ये फंक्शन यूज करेंगे, आरएचएल निकालते वक्त ये, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बोला लेट्स से ये एक्स इज इक्वल टू वन है, ठीक है, फिर मैंने बोला इसका जब ग्राफ बना रहे हो एक्स लेस देन वन के लिए तो ये वाली डेफिनेशन यूज होगी, तो ग्राफ मेरा इधर आएगा, लेट्स से ऐसा ग्राफ है इसका इस पॉइंट पे एक्स इज इक्वल टू वन पे लेट्स से वैल्यू कुछ दिए ऐसी दिए, दिस इज एक्स इज इक्वल टू वन पे वैल्यू, ठीक है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए ये इसका ग्राफ मान लो ऐसा है, ऐसा कुछ तो है। जब मैं बोलता था कि अगर मान लो मुझे LHL देखना सुनना ध्यान से, मैंने बोला LHL निकालो at x is equal to 1, तो हम लेफ्ट हैंड क्या करते थे हम ग्राफिकली, जब मैंने तुम्हें मीनिंग बताया था इसका मतलब क्या था कि x is equal to 1 पे जाना है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, फिर हम देखते थे कौन सी ब्रांच यूज हो रही है ग्राफ की, तो ये वाली ब्रांच यूज हो रही है, यह हो रही है, तो अब मैं उसका बोल रहा हूं इंस्टेड ऑफ ब्रांच, अब मैं बोल रहा हूं फंक्शन की ये डेफिनेशन यूज होगी, एलएचएल निकालते वक्त ये ब्रांच हुई, ये ब्रांच किसकी है इस फंक्शन की, तो इसका मतलब जब मैं एलएचएल निकालूंगा तो मेरा ये वाला फंक्शन यूज होगा, जब मैं आरएचएल निकालूंगा तो मैं बोलूंगा ग्राफिकली क्या बोलूंगा मैं आरएचएल इधर से अप्रोच करूंगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी ग्राफ की, ये वाली ब्रांच यूज होगी, और ये ब्रांच किसका इसकी डेफिनेशन क्या है ये है, तो इसका मतलब क्या है आरएचएल निकालते वक्त मैं ये डेफिनेशन यूज करूंगा, क्लियर है। अच्छा अब एक बार ट्राई करो, जिसने नहीं किया ट्राई अब एक बार वीडियो पॉज करके एक बार ट्राई करो, ठीक है, एलएचएल तो मैं निकाल देता हूं बिकॉज इजी पार्ट है, आरएचएल तुम निकालो, एलएचएल तो डायरेक्टली ओरली भी बोल सकते हो, ठीक है ना, इतना प्रैक्टिस हो गया एलिमेंट का कि डायरेक्टली बोल सकते हैं एक्स टेंड्स टू वन पे एलएचएल क्या आएगा एक्स माइनस वन कैंसिल होगा, ऊपर क्या बचेगा एक्स प्लस वन,
लिमिट x टेंड्स टू 1 पे क्या होगा, वो 2 के बराबर, और f ऑफ 2 f ऑफ 1 क्या है 2 है, तो LHL फंक्शनल वैल्यू के बराबर आ गई, बट मेन है हमें RHL निकालना है, बट फिर भी मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना, मैंने बोला LHL LHL at x is equal to 1 क्या होगा, मैंने क्या बोला LHL निकालेंगे तो ये डेफिनेशन यूज होगी, तो क्या होगा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो ये हो गया x प्लस 1, मतलब ऐसे लिखो प्रॉपर, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x प्लस 1 व्हिच विल बी इक्वल्स टू 2, तो LHL तो 2 आ गई। अच्छा मैंने बोला f ऑफ 1 क्या है, मतलब फंक्शन का वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1, दिस इज नथिंग बट 2, उसने तो दे रखा है, ये तो डायरेक्टली दे रखा है, अब केवल और केवल मेरा टास्क क्या है RHL निकालना, अगर वो भी 2 आ गई तो क्या बोलूंगा मैं, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू फंक्शनल वैल्यू हैज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, हैज द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1, अगर वो वैल्यू 2 के अलावा कुछ भी और आती है तो मैं क्या बोलूंगा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस, ठीक है ना, क्योंकि हमारा कंटिन्यूटी के लिए क्या था LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू फंक्शनल वैल्यू, तो अल्टीमेटली माय टास्क इज, मैं इसको रब कर रहा हूं नीचे वाले पार्ट को, टू फाइंड द RHL, तो मैंने बोला RHL कैसे करें, तो देखो RHL के लिए पहले देखते हैं ये कौन सी फॉर्म है, तो पहले तो मैंने लिखा लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 प्लस, क्योंकि मुझे 1 पे निकालनी है, तो देखो x इज इक्वल टू 1 रखोगे तो ln e व्हिच इज 1 रेज़ टू इनफिनिटी फॉर्म है, अब 1 रेज़ टू इनफिनिटी के लिए तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड रेडीमेड फॉर्मूला तैयार है, क्या लिखते हम e की पावर में लिमिट, ये लिमिट को अंदर लेके जाते हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx माइनस 1, तो ln ऑफ x इनटू e fx माइनस 1 इनटू gx 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, क्लियर है यहां तक, e की पावर में fx माइनस 1 इनटू gx किया है, अब देखना ln x को मैंने ओपन कर दिया ln ab के फॉर्मूले से, ln a प्लस ln b, तो ये हो जाएगा e की पावर में लिमिट x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 प्लस ln x प्लस ln e, और ln e क्या होता है 1, और ये माइनस 1 ऑलरेडी लिखा है, तो ये हो गया 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, ये 1 से माइनस 1 कैंसिल, अब याद है शॉर्टकट, वैसे बिना शॉर्टकट के भी कर लेंगे, मैंने बोला था अगर, देखो शॉर्टकट एक बार रिवाइज हो जाएगा, मैंने बोला ln ऑफ a लिखा है, और अगर a मेरा जो है वो 1 को जा रहा है, तो दिस कैन बी रिप्लेस विद a माइनस 1, याद आया, नहीं तो इसको, ये तो हमने रट लिया, मतलब शॉर्टकट हो गया, एक्चुअली कैसे करते हैं, ln a लिखा है तो क्या लिखा है इसको, इसको मैंने ऐसे लिखा 1 प्लस a माइनस 1, ठीक है, ln a को मैं ऐसे लिख सकता ln 1 प्लस a माइनस 1, अब अगर a 1 को जा रहा है तो ये 0 को जा रहा है, तो मुझे को यूज करना है ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग, तो a माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ln ऑफ 1 प्लस समथिंग अपॉन समथिंग क्या होता है 1 होता है, अगर समथिंग 1 को 0 को जा रहा है तो क्या बचा है a माइनस 1, बट मैंने शॉर्टकट्स में बोला था इसको याद रखना फॉर फास्ट कैलकुलेशन, तो देखो इधर ln x किससे रिप्लेस हो जाएगा, x 1 को जा रहा है ना, तो दिस कैन बी रिप्लेस विद x माइनस 1, तो एक x माइनस 1 का फैक्टर कैंसिल हो गया, वही तो इंडिटरमिनेंसी ला रहा था क्वेश्चन में, तो नाउ इट इज लेफ्ट आउट विद e की पावर लिमिट x इज टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1, एंड दिस इज नथिंग बट e की पावर हाफ, e की पावर हाफ मतलब बेसिकली रूट e, अब क्या ये 2 के बराबर है, नहीं ऑफ कोर्स नहीं है, तो क्या लिखूंगा मैं LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, इतना लिख दो काफी है, फंक्शनल वैल्यू नहीं भी लिखो चलेगा, सिंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL तो हमारा फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, क्लियर हुआ बच्चों, चलो अब देखते हैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स, तो अब तुम्हें आइडिया लग गया होगा, बेसिक थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि जो कॉन्टिन्यूटी है बेसिकली उसमें क्या बोलते हैं कुछ अलग नहीं है, मतलब लिमिट का ही है बेसिकली, बस हमें एक पार्ट ऐड करना है कि वो लिमिट जो क्या बोलते हैं लिमिट है उसको, बस एक चीज और देखना है कि वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर है या नहीं, अल्टीमेटली कंक्लूजन अभी तक हमारे लेक्चर का ये निकला, अब हम देखते हैं रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, लिखो इधर रीजंस, क्या क्या कारण से डिसकंटिन्यूटी हो सकती है, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी, रीजंस फॉर डिसकंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ fx, ऐसे लिखो ग्राफ ऑफ fx, ठीक है ना, व्हाट आर द रीजंस ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो पहला रीजन तो क्या होगा, सबसे पहला मतलब जो एकदम ऑब्वियस थॉट है क्या होगा, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, अच्छा LHL इज नॉट इक्वल टू RHL मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सिंपल एक लैंग्वेज में बोलू, अगर लिमिट नहीं एग्जिस्ट करती दैट इज वन ऑफ द रीजन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस,
तो उसको तो ऐड करूंगा मैं। उससे पहले एक और पॉइंट मैंने क्या बोला, पहला चलो नहीं तो पहले इसको लिख लो, मैंने बोला लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। पहला रीजन इज लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी सो फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसके अपने आप के बहुत सारे रीजंस होते हैं, वो हम लिमिट्स में देख चुके हैं, तो उसको मैं नहीं लिख रहा हूं, जैसे लिख रहा हूं चलो एक बार बता देता हूं। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट मतलब क्या होता है, लिमिट कब कब एग्जिस्ट नहीं करती। इसके अंदर सब केस, जैसे मैंने बोला क्या बोलूंगा, मतलब वो ओरली बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं, चलो तुम्हें लिखना है तुम लिख लेना। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के अंदर क्या क्या आ जाएगा कि LHL RHL इन दोनों या फिर दोनों, इन दोनों में से कोई भी एक या फिर दोनों डज नॉट एग्जिस्ट हो जाए तो मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर दोनों एग्जिस्ट कर जाए बट बराबर ना आए तब भी मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा, या फिर फंक्शन फ्लक्चुएटिंग हो तो भी मेरा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो अब मैं उसको रीजंस ऑफ डिस्कंटिन्यूटी में नहीं ले रहा हूं, वो इसी पॉइंट के अंदर आ गए, ठीक है ना, उसी चीज को वो हालांकि रीजंस है बट वो इसी पॉइंट के अंदर सारे कवर होगा। मैंने इधर ही लिख दिया ना लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, अब इसके अंदर सब केसेस बन जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, जैसे ग्राफिकली मैं देखूं तो क्या क्या होगा, जैसे मैंने एक्स इक्वल टू ए की बात कर रहा हूं तो ए पे ये है, एक रीजन ये होगा कि LHL RHL दोनों इनफाइनाइट आ जाए, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट के लिख रहा हूं मैं। फिर हुआ मेरा लेट से LHL तो फाइनाइट आ गई, RHL इंफिनिटी आ गई, या फिर लेट से ये इंफिनिटी आ गई ये फाइनाइट आ गई, या फिर दोनों फाइनाइट आ गए, दोनों फाइनाइट आ गए बट बराबर नहीं है, सॉरी ऊपर लगाना पड़ेगा, क्लियर है। तो दिस आर द रीजंस ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट्स, तो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, और क्या रीजन हो सकते, सोचो क्या रीजन हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है लिमिट एग्जिस्ट कर जाए, लिमिट एग्जिस्ट करने के बाद भी डिस्कंटिन्यूअस कब हो सकता है, जब उस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन ही ना हो, मतलब एफ ऑफ ए डिफाइन ही ना हो, तो क्या लिखूंगा इसको, फंक्शन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, इसको प्रॉपर लिख लो, रीजन फॉर डिस्कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, मैं इधर ए का रेफरेंस ले रहा हूं, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिफाइंड डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, इसका मतलब क्या हो गया, सिनेरियो में ऐसा कुछ हो गया, लेट्स से मैंने ये लिया, इधर वैल्यू लगा दिया, इधर ऐसे कर दिया, दिस इज एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखो इस पे लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि LHL निकालूंगा तो ये वाली ब्रांचेस होगी, वो इसको अप्रोच कर रही है, लेट्स से ये वाली वैल्यू मेरी है लेट्स से बी, ठीक है। मैंने क्या बोला, एक्स इज इक्वल टू ए पे अगर LHL निकालूंगा तो बी आएगा, RHL निकालूंगा तो ये वाली ब्रांच यूज होगी, तो ये वाली ब्रांच भी बी को अप्रोच कर ली, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है, बट इधर रीजन ऑफ डिस्कंटिन्यूटी क्या हुआ, फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है एक्स इज इक्वल टू ए पे, फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू ए, दिस इज द सेकंड रीजन ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, क्लियर है। अब आते थर्ड रीजन पे, अब तो मैं क्लिक कर गया होगा थर्ड क्या लिखूंगा मैं, आई होप समझ में आया होगा थर्ड, अब क्लिक कर गया होगा क्या लिखूं। अब मैंने बोला लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, फंक्शन भी डिफाइंड है, तो क्या हो सकता है, बराबर नहीं हो, मतलब क्या लिखूं मैं, फंक्शन फंक्शनल वैल्यू, फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, इज नॉट इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू, मतलब लिमिट के बराबर नहीं है। इसका ग्राफ कैसा हो गया, मान लो यही वाला ग्राफ बना रहा हूं मैं, देखो इसी टाइप का ग्राफ, अब क्या कर दिया मैंने, ठीक है लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, अब फंक्शनल वैल्यू के लिए इधर एक फिल्टर सर्कल लगा दिया, और लेट से ये मेरा सी है, ये मेरा बी है, तो देखो इसके हिसाब से क्या हो गया, LHL इज इक्वल टू RHL, मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, लिमिट की वैल्यू कितनी आई, लिमिट एक्स इज टेंडिंग टूवर्ड्स ए अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम इट इज बी, और एफ ऑफ ए क्या है, फंक्शन का वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए दैट इज सी, तो ये दोनों बराबर नहीं है ना, हैज द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो ओवरऑल हमने क्या देखा, तीन चीजें हैं रीजन फॉर डिस्कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ्स एट एक्स इज इक्वल टू ए पे, तीन चीजों के कारण हो सकता है, एक तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, और फिर उसमें अपने आप लिमिट के अपने रीजन होंगे, एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो हमें नहीं देखना, अभी इतना काफी है कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दैट इज वन ऑफ द रीजन फॉर डिस्कंटिन्यूटी ऑफ ग्राफ। सेकेंड इज फंक्शन ही डिफाइन ना हो, लिमिट एग्जिस्ट कर रही हो भले बट फंक्शन ही डिफाइन ना हो, वो ये केस हो गया, और तीसरा फंक्शन डिफाइन है लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है बट दोनों बराबर नहीं है, मतलब फंक्शनल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू द लिमिट, क्लियर है। तो फिर आज एंड अप करते हैं यहीं, ठीक है, और इसके बाद फिर हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे कंटिन्यूटी को, ठीक है ना, ओके। तो
और मैं क्या बोलता हूँ, लिमिट के भी कोशिश करूंगा मैं, जैसे वैसे लिमिट का तो अलग से अभी देने की इतनी जरूरत है नहीं, क्योंकि इसमें हमारी लिमिट की बहुत प्रैक्टिस होगी, ठीक है। बट तुम लोग शीट कंप्लीट कर लो, मैं हमारा जो नेक्स्ट डाउट सेशन है, मैंने आज ग्रुप में भी वैसे व्हाट्सएप किया था कल कि डीपीपी 3, 4, 5 ये 3 डीपीपी विल डिस्कस इन फ्राइडेज डाउट सेशन, ठीक है, वही गूगल मीट पे करेंगे, ठीक है फिर बच्चों। ओके दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।